12th फिजिक्स, जैसे कुछ बात हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं, तो चैप्टर वही है इलेक्ट्रिक के, फ्लक्स एंड गॉसेस। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस में जो नंबर ऑफ लाइंस गुजरते हैं, कैसे उसका मान हम लोग निकालते हैं, मेजर्ड कैसे। जैसे मान लो यह कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इससे बहुत से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, बहुत से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। अब देखिए, यह सरफेस, यह हम लोग एस मानते हैं, इसमें एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट एरिया पर हम लोग विचार करते हैं, वह डीएस है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ डीएस का डायरेक्शन देते हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सपोज कर देखो, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक के फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट एरिया डीएस, तो डी फाई बराबर हम लिखेंगे ई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डीएस, और इसी को मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे डीएस कॉस थीटा। अगर टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, ऐसा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो देखो, यह इंटीग्रेशन कर दिए टोटल सरफेस के लिए, सरफेस के लिए, तो अगर क्लोज सरफेस हो, फॉर क्लोज्ड सरफेस फाई इक्वल टू लिखते हैं लाइन इंटीग्रल, इसको ऐसे बनाते हैं डॉट डीएस। देखो फिजिक्स में जो टोटल क्या कहते हैं क्लोज सरफेस होता है वह थ्री डायमेंशनल होता है, और इसका लाइन इंटीग्रल का इन सिंबल है। अब देखो कुछ बातें हम लोग इसमें हमने जो सीख लिया वह नोट में इसको समराइज करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट में बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, तो व्हेन कॉस थीटा बराबर मैक्सिमम, दैट इज इट्स वैल्यू प्लस वन। और कॉस थीटा का वैल्यू प्लस वन कब होगा, जब थीटा बराबर जीरो डिग्री हो। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द एरिया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है, और तो जब नॉर्मल होगा तो जीरो डिग्री होगा, या नहीं कि नॉर्मल होगा तो 90 डिग्री, क्योंकि यह नॉर्मल होगा तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेज इसे पास करेंगे, उसके पहले लेक्चर में हमने चर्चा इसकी कर लिया है। अब देखो दूसरा केस है, इट विल बी मिनिमम, व्हेन मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा जीरो आ जाए, और यह
तब थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। दैट इज इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया। ठीक है, तो अब देखो चौथा एक और बात ध्यान थर्ड में कि फॉर याद रखने के लिए बताए थे फॉर क्लोज्ड बॉडी आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। यह ध्यान है, जैसे फिगर से भी देख लो इस चीज को, जैसे मान लो कि यह कोई क्लोज्ड बॉडी है, बॉडी है और यह क्या है पॉजिटिव, तो इसका आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा अर्थात नंबर ऑफ लाइंस जो होगा वह क्या हो, वही हमारा पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे हो जाए, मान लो कोई ऐसा सरफेस है इनवर्ड हो, तब ये क्या होगा निगेटिव होगा। अब देखो और एक बात और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक के फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और फिर इसका एसआई यूनिट अब देखो इसका चूंकि यह फाइ बराबर क्या होता है ई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अर्थात डीएस, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस। तो इसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और में यह भी हो सकता है कट जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी इसका ऐसे यूनिट होगा और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होगा। अब देखिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तब कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया मान लो 20 यूनिट्स 20 यूनिट्स लाइन इन वाई जेड प्लेन, प्लेन है टू डायमेंशन है, तब है अब कैसे बनेगा देखो इसका आंसर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया है 6i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और एरिया वेक्टर जो दिया है
वह 20 यूनिट दिया है वाई जेड प्लेन में,